इस वीडियो में मैं आज आपको न्यू यामाहा FZS V4 E20 OBD2 2023 मॉडल के टॉप 5 ऐसे मुख्य कारण बताने वाला हूं कि क्या ये बाइक आपको 2023 में लेनी चाहिए। बाइक की ऑन रोड क्या है, माइलेज टॉप स्पीड क्या है, क्या ये बाइक आपको पल्सर 150 या जिक्सर 150 को छोड़कर लेनी चाहिए। इस बाइक को खरीदने का पहला मुख्य कारण है इसका मस्कुलर स्पोर्टी बॉडी डिजाइन, दूसरा इसमें ऑल LED सेटअप मिलता है और यहाँ पर यामाहा का लोगो है, LED वाले यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, दूसरा यहाँ पर आपको L शेप के LED DRL मिलते हैं, बाकी जो वाइजर है वो थोड़ा सा स्पोर्टी है रेड कलर में, और जो हेडलाइट है ये भी आपको ऑल LED सेटअप के साथ मिलती है, जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप इसके सस्पेंशन देखेंगे तो 41mm डायमीटर के काफ़ी मोटे मोटे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं जो आपको बहुत सारी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। 282mm की डिस्क मिलती है इसमें, सिंगल चैनल EVS आपको मिलेगा, बाइब्रे के कैलिपर हैं, 180-17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें 70 इंच का गोल्डन कलर एलॉय दिया है। बाइक की जो पेट्रोल टंकी है वो 13 लीटर की दी गई है, यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा हुआ है जैसा कि ये OBD2 वाला मॉडल आप देख रहे हैं। ब्लू कोट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, काफ़ी मस्कुलर सा यहाँ पर आपको बड़ा सा यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलता है, साइड में यामाहा का लोगो है और नीचे में FZS जो कि 3D में गोल्डन कलर से है, यहाँ पर वर्जन 4.0 की वेजिंग है और जो काउल हैं वो आपको एयर वाले वो आपको थोड़ा सा क्रोम के साथ मिलते हैं। इस बाइक की जो हैंडल बार है यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलती है, और बाइक को खरीदने का दूसरा कारण है कि इसमें R15 वाली फुल डिजिटल डिस्प्ले का सेटअप मिलता है। जी हाँ, जैसा कि साइड में फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, ऊपर में घड़ी मिल जाती है, स्विफ्ट टाइमिंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको चेक इंजन की लाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर ABS हेडलाइट, और दूसरा इसमें आपको TCS ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में रियल माइलेज एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है जो पल्सर में तो आपको मिल जाता है, लेकिन TCS आपको पल्सर वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है इसकी 118 और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट जैसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं। बाइक आपको 45 से 50 का माइलेज दे देती है। यहाँ पर जो स्विचेस हैं इसकी भी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पर इंजन के सेल्फ स्टार्ट का बटन है। बाकी बाइक का जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल ही है क्योंकि इसकी जो सीट है वो सिंगल है और ऊपर से आप इसको फैमिली या फिर सिंगल पर्सन भी राइड कर सकते हैं, और डुअल टोन कलर की सीट है, काफ़ी अच्छी कुशन है जिसमें 790mm के आसपास सीट हाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है लो हाइट वालों के लिए भी, और पीछे में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है और पीछे में भी आपको LED वाली टेल लाइट मिल जाती है जो MT15 में दी जाती है। LED वाले यहाँ भी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और बाइक को लेने का चौथा सबसे बड़ा रीजन बन जाता है वो है इसका 140mm का वाइट टायर, 140/60/8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। जी हाँ, जैसा कि ये जो टायर है वो 140mm चौड़ा है जो इस सेगमेंट की बहुत ही कम बाइक में देखने को मिलेगा। पीछे में 220mm की डिस्क है लेकिन ABS यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बड़ा सा टायर अगर दिया गया है, और मस्कुलर सी डिजाइन में यहाँ पर आपको एक एग्जॉस्ट भी मिल जाता है। अब बात आती है मेन मुद्दे की, तो भाई इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, काफ़ी रिलायबल है, लंबे समय तक चलता है। किक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है, इंजन गार्ड भी आपको मिलता है, 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इसमें, 149cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 FI इंजन है जो 12.4 PS की पावर देता है, 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक की जो पावर है वो थोड़ी सी कम है, अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो MT15 में भी आप जा सकते हैं। इसकी लंबाई है 1990mm, इसकी हाइट है 1080mm की, और इसका वजन है 135 किलोग्राम का जो कि काफ़ी लाइट वेट है अपने सेगमेंट में। यहां से आप सीट को ओपन कर सकते हैं, बड़ा सा आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, ओपन चेनसेट कवर मिल जाएगा, और बॉक्स वाला यहां पर आपको मिलेगा स्विंग आर्म, एडजस्टेबल यहां पर आपको एल्यूमिनियम के फुटपैक्स मिल जाते हैं। बाकी पीछे में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो क्रॉस सस्पेंशन का सेटअप मिलता है जो इस सेगमेंट में देखने को बहुत कम बाइक में देखने को मिलेगा, और स्प्रिंग वाले फोल्डेबल फुटपैक्स हैं, और 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, प्रॉपर एक बार में गियर डलता है। इसका जो FI सिस्टम है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब इस बाइक को खरीदने का पांचवा मुख्य कारण है, सबसे बड़ा वो है इसका प्राइस पॉइंट, और बाइक की जो ऑन रोड कीमत आती है वो है 1,54,000 कोलकाता में, जबकि जो पल्सर 150 ट्विन डिस्क है वो आपको पड़ती है 1,42,000 की, जबकि जिक्सर 155 है वो आपको पड़ती है 175 की। अब देखा जाए तो कम प्राइस पॉइंट में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी